हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। पहले हमने आटे के लड्डू बनाए थे, इस बार हम सूजी के लड्डू बनाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। चलिए आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में एक कटोरी मखाने डाल दिए हैं। मखानों को हम रोस्ट करेंगे ऐसे ही सूखे, इसमें कोई घी नहीं डालेंगे। लगातार चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे और जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें ऐसे ही भून लेना है। चलाते हुए लगातार चलाते रहेंगे और गैस को बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे मखाने जल जाएंगे। ये देखिए, चलाते चलाते हमें 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट में हमारे रोस्ट होने लगे हैं मखाने भी। अब इनको हम हाथ से तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए, आराम से टूट रहे हैं, तो हमारे मखाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे मखानों को हम इसी प्रकार से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 50 ग्राम देसी घी डालेंगे और देसी घी डालने के बाद हम कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे। बारीक बारीक हमने इन्हें काट के रख लिया था, तो हमने इसमें देसी घी में हम इन्हें भून लेंगे। और ये थोड़ी देर जब भुन जाएंगे तो हम इसमें किशमिश भी मिला देंगे। और ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे तरबूज के बीज या खरबूजे के बीज। आप कुछ कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। देखिए, चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गया है और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन चुके हैं। किशमिश भी फूल चुकी है, पहले से बड़ी बड़ी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी सेम कढ़ाई में इसी कढ़ाई में हम इसमें देसी घी जो बच गया है उसी कढ़ाई में हमने इसमें सूजी डाल देंगे। 200 ग्राम के करीब सूजी है और कटोरी से नापे तो 1 कटोरी सूजी है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सूजी को हम लगातार चलाएंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे और ये कच्ची ना रह जाए। इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और चलाते कम से कम इसे 5-7 मिनट तक भूनेंगे। 5-7 मिनट में भून के बिल्कुल तैयार हो जाएगी सूजी। इसको हमें कलर चेंज करने तक भूनना है। अब थोड़ा सा इसमें हम देसी घी और डाल देंगे। ज़्यादा सूखी सूखी सी हो रही है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो कम घी में भी इसको बना सकते हैं लड्डुओं को। और हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और लगातार चलाते चलाते इसका कलर भी चेंज हो गया है और सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इस सूजी में हम 1 कटोरी दूध लेंगे और उस कटोरी दूध को हम थोड़ा थोड़ा इसमें करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो दाना है वो फूल जाएगा, सूजी का जो दाना है वो फूल जाएगा। लड्डू जो हमारे बनेंगे वो दानेदार बन के तैयार होंगे। ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डाल देना है। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी जो सूजी है वो गीली हो जाएगी। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर देते हैं इसमें ऐसे ही डाल के, और चलाते रहेंगे लगातार। चलाना बंद नहीं करेंगे। ये देखिए, चलाते चलाते हमें काफ़ी देर हो गई है और दूध को भी हमने डाल दिया है। सारे दूध हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद ये बिल्कुल सूखी हो जाएगी सूजी, सूखी सूखी हो जाएगी। और ये देखिए, चलाते चलाते सूजी भी हमारी बिल्कुल सूखी हो गई है। सूजी हमारी भुन के तैयार हो चुकी है। लगातार चलाते चलाते हमें 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो मखाने भुने थे उनको हम पीस लेंगे। हमें दरदरा ही पीसना है इन्हें। और ये मखाने हमने पीस लिए हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी चीनी लेंगे, चीनी को भी पीस के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यह मखाने डाल दिए हैं सूजी में, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, काजू बादाम और किशमिश, और इसमें जो चीनी पीसी थी वो भी हम इसी में मिला देंगे। और थोड़ी कम रखेंगे चीनी क्योंकि इसमें कम लगती है सूजी में। और इसमें हमने चीनी मिला दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। सब सामानों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। सारा मिश्रण हमने तैयार कर लिया है। इस मिश्रण को हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए लड्डू बांधने के लिए। अगर आपको लड्डू बांधने के लिए अगर मिश्रण गीला लगता है, सूखा लगता है, तो इसमें आप देसी घी डाल सकते हैं या फिर दूध डालकर भी लड्डू बना सकते हैं। दूध से सूजी गीली गीली हो जाएगी थोड़ी और उसके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। हमने इसमें थोड़ा देसी घी डाल दिया था और ये देखिए, मिश्रण पहले से गीला हो चुका है। लड्डू इसमें आराम से बन जाएंगे।
अब हम इसके छोटे या बड़े लड्डू आप बांध सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। हम इसके लड्डू बना लेते हैं। और ये देखिए हमने छोटे 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 लड्डू बनाए हैं। आप चाहे तो किसी भी आकार में, आप बड़े आकार में या छोटे आकार में लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से हम सारे मिश्रण के लड्डू बांध के तैयार कर लेंगे। ये लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं, सूजी के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं। एक लड्डू हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं, बड़ी आसानी से लड्डू टूट रहे हैं देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक